सो हे एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पनीर भुर्जी। तो चलो करते हैं शुरू। उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, साथ ही टोमेटो हो गया, अनियन हो गया, गाजर होगी, थोड़ा सा हरी मिर्च होगी और साथ में कोरिएंडर, हरा धनिया मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो मैंने इसकी जो क्वान्टिटी वो मैंशन कर दिया है। अब जो आपने कढ़ाई ले लेनी है उसको लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ये प्रॉपरली गर्म हो जाएगी तो उसमें ऐड कर देना ऑयल। मैं यहाँ पे जो है रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे जो है 2-3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ और साथ ही उसमें ऐड कर दूँगी बटर। थोड़ा सा बटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि जूस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं साथ ही मैं डाल दूँगी हींग। हींग का जो फ्लेवर होता है वो पनीर की भुर्जी में बहुत ही ज़्यादा सही होता है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को भी जो आपने छोटे छोटे पीसीस में कट करना है तो इसको भी आपने प्रॉपरली जो है अच्छे से पका लेना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसी के साथ आपने जो है कैरेट, जो गाजर है वो भी आपने इसी के साथ ही पकाने हैं। थोड़ा सा इनका जो कच्चापन होता है वो चला जाए बस यही। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपने इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर को भी आपने अच्छे से पका लेना है। उसके साथ आपने डाल देनी है हरी मिर्च, इसका जो फ्लेवर होता है मेंटेन रहता है। और अगर आप चाहते हो कि टमाटर को पहले पका लें तो उसमें आपने क्या करना है, पहले जो है वो नमक डाल देना है। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले रही हूँ नमक, उसको जो है डाल देना ताकि आपका जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए, आपकी ग्रेवी जो अच्छी बने। तो यहाँ पे और ग्रेवी बनाने के लिए आप जितने चाहो मतलब एक पूरा टमाटर भी ले सकते हो। तो इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मसाला, स्पाइसी मसाले जो भी हमारे हुए हैं किचन मसाला, तो इसमें ऐड कर दूँगी 1/1। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाला ऐड, जितना आप तीखा रखना चाहते हो उतना आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि आपकी ग्रेवी जो है पक चुकी है तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है पनीर की, पनीर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर पनीर ग्रेट कर लिया था, इसको भी आपने ऐड कर देना है, इसको भी अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे जो है मेरा पनीर जो है बन के एकदम उसकी जो खुशबू होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर की भुर्जी जो होती है वो एक अंडे की तरह इसका जो टेस्ट होता है उसी की तरह ही आता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेना है 2-3 मिनट के लिए, अच्छे से पका लेना है ताकि ये जो आपकी पनीर है ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जब आपको लगेगा कि आपकी सब्जी बन गई, पनीर बन गया, पनीर की भुर्जी, तो उसके बाद आपने इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड कर देना कोरिएंडर। मैं भी ऐड कर दूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितनी भी आप ग्रेवी चाहते हो, अगर आप चाहते हो पतला पतला सी ग्रेवी और ज़्यादा तो आप उसमें थोड़ा सा ग्रेवी पानी ऐड करके और ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सूखी सूखी वाली ही बना रही हूँ। आप चाहे इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर जो थी मेरी पनीर की भुर्जी बन के तैयार होगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसको जो है पनीर की भुर्जी को मैं परांठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जो है इसको चपाती के साथ या चावल के साथ, चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको ये अच्छी लगे। थैंक यू एवरीवन।